हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन क्विजीन विद पिंकी केश में। आज हम बनाने वाले हैं सबके फेवरेट डार्क चॉकलेट कुकीज़, और बेकरी से भी अच्छी कुकीज़ आप घर पर बना सकते हैं। और ये मैंने बिना ओवन के और बिना मैदे के बनाया है। इसे बनाकर आप एक महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। और कुकीज़ बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 5 टेबल स्पून घी। आप घी की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। अब चीनी और घी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे इतनी देर मिक्स करेंगे कि ये एकदम क्रीमी टेक्सचर का हो जाए। इसे हम जितना अच्छा मिक्स करेंगे, हमारे कुकीज़ उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये एकदम क्रीमी टेक्सचर का बन गया है। अब हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करते हैं। तो यहाँ छलनी में मैं डाल रही हूँ 1 कप गेहूँ का आटा। ये गेहूँ के आटे से बनी है, इसलिए बहुत हेल्दी भी है। तो और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब कोको पाउडर। यहाँ मैंने डार्क कोको पाउडर लिया है। साथ ही में 3/4 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। यहाँ मेजरमेंट के लिए मैंने 1/2 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून का यूज़ किया है। और साथ ही में 1/4 टीस्पून इसमें मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है। सभी ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को हम एक बार अच्छी तरह से छान लेंगे। अब हम इसका डो बनाएंगे। तो हम हल्के हाथों से मिक्स करते हुए इसका डो बनाएंगे। कुकीज़ का डो आप कभी भी ओवर नीड ना करें, हल्के हाथों से ही बस इसे मिक्स करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने लिया है 2 टेबल स्पून के करीब मिल्क। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, और जितना हमें मिल्क लगेगा हम उतना ही मिल्क इसमें ऐड करेंगे। और इसका हम एक हल्का सा डो तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैंने कुकी का डो लगा लिया है, और इसे बनाने में मुझे पूरा 2 टेबलस्पून मिल्क लग गया। अब इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद हम कुकीज़ बनाएंगे। तो आधे घंटे बाद सबसे पहले हम प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक स्टील की प्लेट ली है, इसे हम ऑयल लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब हम कुकीज़ बनाएंगे। तो जितनी बड़ी हमें कुकीज़ बनानी है, हम उतना बड़ा पोर्शन लेंगे डो का। और पहले हम इसे हाथों में इस तरह से प्रेस करते हुए एकदम गोल शेप दे देंगे, इस तरह से। अब हथेलियों के बीच हम रखते हुए हल्का सा इसे प्रेस करेंगे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ कुकी बन चुकी है। और इसी तरह से हम सारी कुकीज़ तैयार करेंगे। यहाँ मैंने मीडियम साइज़ की कुकी बनाई है, आप चाहें तो इससे छोटे साइज़ की भी कुकीज़ बना सकते हैं। अब इसे हम ग्रीस की हुई प्लेट पर रख लेते हैं, इस तरह से। और ठीक इसी तरह से हम बाकी कुकीज़ भी बना लेंगे। और दोनों कुकीज़ के बीच में हमें हल्का सा गैप रखना है, क्योंकि जब ये बेक होंगी तो ये फूलेंगी भी। तो यहाँ हमारी सारी कुकीज़ बन चुकी हैं, इन्हें हम बेक करते हैं। और कढ़ाई को मैंने 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। तो कढ़ाई में मैंने नमक डाला है, आप चाहें तो बिना नमक के भी बेक कर सकते हैं। अब इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम में 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। 25 मिनट एकदम इनफ है बेकिंग के लिए। तो 25 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं कुकीज़ कितनी सुंदर फूली हैं। एकदम परफेक्ट कुकीज़ हमारी बनी है। आप देख सकते हैं कि कुकीज़ साइड से हल्की हल्की सी ब्राउन हो गई हैं। अभी ये आपको थोड़ी सॉफ्ट लगेंगी, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। और जब ये पूरी अच्छी तरह से ठंडी हो जाएंगी, उसके बाद ही हम इन्हें टच करेंगे। उससे पहले कुकीज़ को बिल्कुल भी टच ना करें। तो लीजिए, यहाँ हमारी क्रिस्पी डिलीशियस कुकीज़ बन करके तैयार है। और आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट ये बनी है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप नीचे से भी देखिए कि ये कितनी बेक हुई हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही एक डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।